जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारे पास एक और इन्वर्टर आया है होमस का। ये वाला मॉडल है 2004। इसको हम देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो ये मेरे सामने एक बोर्ड आ गया इसी मॉडल का। ये मॉडल नंबर है इसका, होमस का। इसको हम अभी ऑन करते हैं। 24 वोल्ट के आइए हम इसको। अब इस वोल्ट की सप्लाई आई, इसको हमने ऑन की, तो इसमें ये एरर दिया फॉल्ट 3 का। ये फॉल्ट 4 आया, पहले फॉल्ट 3 आया था, उसके बाद आया था फॉल्ट 4। अगर इसको फैन लगा होता तो ये जो फॉल्ट 4 आया ये नहीं आना था। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि इसका फॉल्ट 3 कहाँ से आता है। तो ये इसकी होती है आउटपुट, एसी आउटपुट साइड, ये वाली। ठीक है, तो इसमें ये 740 FET लगे होते हैं, जो कि ये किसी बंदे ने ये चेंज किए हैं, ऑलरेडी ये चेंज हुए हुए हैं। तो अभी हमारे पास आया तो हमें इसको देखना है कि इसमें फॉल्ट क्या है। ठीक है, ये फॉल्ट भी सबसे पहले हम इसके FET चेक कर लें। तो डाइवर पर रखें और ये FET के चेक कर लें। FET के बिल्कुल ठीक है। अगर ये वाली साइड अगर शॉर्ट होती तो ये FET इसका ख़राब होना था। उसके बाद आ जाते हैं 1K ओम पे। ठीक है, इसके साथ ये 10 ओम की रिस्टेंस लगी होती है। ये आप सारी चेक कर लें। ये सारी चेक कर लें हम। 10 ओम वाली ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद आगे वाली ये भी ठीक है, आगे वाली ये भी ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे नीचे 0 ओम की लगी होती है, इसको चेक कर लें, शॉर्ट होती है। ठीक है, ये भी ठीक है। ये आफ के एक ही होती है 5 ओम, इसको चेक कर लें, अक्सर ये भी ख़राब हो जाती है। ये इसके आगे लगी हुई है 10K की, इसको भी चेक कर लें। ठीक है, उसके बाद ये चेक कर लें आफ के की, ठीक है, 10K की, आपके 5 ओम, ये भी ठीक है। ये सेफ्टी की ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये रीडिंग चेक कर लें, बार दफ़ा रीडिंग ऊपर नीचे हो जाती है तो आपको उससे भी आइडिया हो जाता है किस एरिया में फॉल्ट है। ये एरिया भी हमारा बिल्कुल क्लियर है, इसमें भी कोई इशू नहीं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ये 1K की लगी होती है 4, हमने सारी चेक कर लेनी है। बाज़ा इसका कोई सेंस डैमेज होती है। ठीक है, ये भी हमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। और उसके बाद ये जंपर लगे होते हैं, ठीक है, ये भी देख लें अगर ये ख़राब है तो उसको भी चेक कर लें। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएं, ये सारा एरिया हमारा क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, 2 ओम के एक और रिसेंस लगी होती है, जो कि यहाँ से इसको यहाँ पे वोल्टेज दे रही होती है, इस जगह पे, यहाँ से इस जगह पे, इस जगह पे ये वोल्टेज आ रहे होते हैं इस सप्लाई से। ये वाली जो सप्लाई है, इस सप्लाई से यहाँ पे वोल्टेज जा रहे होते हैं। हम इसको चेक कर लेते हैं, तो हम ये भी हमारी ठीक है। उसके बाद ड्राइवर चेक कर लें आप, ये बिल्कुल ठीक है। इधर अगर रीडिंग इसकी आएगी तो ये ख़राब है, अगर रीडिंग नहीं आई तो ये बिल्कुल ठीक है। ये हमारा बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी
जम्पर होते हैं इसके, यहाँ से यहाँ तक आ जाते हैं। ठीक है जी, ये देखें ये शॉर्ट है, इसका मतलब ये जम्पर इसका आ रहा है। दूसरे नंबर पे आ जाए ये वाला, ये यहाँ पे आ रहा होता है। ये भी हमारा जम्पर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप आ जाए ये नीचे वाले पे, ठीक है, इसको यहाँ पे आना चाहिए इस जगह पर, ये नहीं आ रहा। ठीक है, ये वाला जम्पर जो है, ये वाली जो लाइन है, ये कहीं से डैमेज है, इसको हमने ढूंढना है कहाँ से डैमेज है। या डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ तक एक वायर भी लगा सकते हैं। अगर आपने सफाई से काम करना है तो ये ढूंढ लें कहाँ से ये जम्पर टूटा होगा, तो हम इसको ढूंढ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक आ जाए, देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक है, ये बीप इसकी ऑन हो रही है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक आ जाए, ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे देख रहे हैं नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, याद है ये हमारा यहाँ से ये डैमेज है। ये देखो इस वजह से ये फॉल्ट थी, क्योंकि ये इसको इधर से सप्लाई मिलेगी तो ये ऑन होगा। तो ये देखें ये इस जगह से ये जम्पर इसका टूटा होगा। और अमूमन दोस्त क्या कर रहे होते हैं, वो बार बार चीज़ें चेंज कर रहे होते हैं, तो आपको चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं। तो आप ये जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप ये सप्लाई चेक करें, उसके बाद अगर वोल्टेज नहीं आ रहे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो एक वायर ले लें तो आप इसको जंप कर लें। जो टूटा हुआ था जम्पर इसका, ये उनको समझ नहीं आई कि यहाँ कहाँ से टूटा होगा, ये उन्होंने देखा नहीं है, तो ये हमने लगा दिया। और उसको मैंने जम्पर भी लगा दिया, तो अब यहाँ से यहाँ तक ये देखें सप्लाई आ चुकी है। ठीक है, ये जम्पर टूटा हुआ था, ठीक है, और ये देखें इस जगह पे ये सप्लाई आ चुकी है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारा इन्वर्टर ठीक हो गया है। अभी भी इसमें एरर आ रहा है, ये देखें फॉल्ट 3 और वही फॉल्ट 4। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि और इसका कोई जम्पर या कोई तरह की कोई चीज़ पावर डैमेज तो नहीं हुई है, जो कि ये अभी भी एरर दे रहा है। इसको डिस्चार्ज कर लें, कैपेसिटर को पहली बार ठंड लग जाता है। ठीक है, तो इसके बाद आप फिर आ जाए जम्पर दोबारा सही कर लें, क्योंकि हमें तो नहीं रह गया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लॉन्ग जो थी हमारी बिल्कुल ठीक है, ड्राइवर भी हमने चेक कर लिया था, ड्राइवर भी हमारा ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इसको की ऑन पे कर लें, ये लगी होती है आप नेट ऑन की जो लगी होती है, इसको चेक कर लें,
नीचे फ्रेंड में ठीक आ रही है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे इस तरह, ये इस तरह भी कोई मेरे घर में कोई जम्पर ही टूटा हुआ है, लेकिन ट्रेस करते हैं इसको भी। लेकिन जो बंदा इसको रिपेयर करता रहे ना, उसने मेरे घर में काफ़ी मेहनत की है, सारी चीज़ें चेंज उसने की हैं। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं, फिर डैमेज तो नहीं है, तो उसके बाद देखते हैं जी। ये एक और प्रिंट हमें मिला है जो कि उसने लगाया ही नहीं, ये देखें इस जगह से ये प्रिंट डैमेज है और ये इस जगह पे आ रहा है, ठीक है। तो हम कोई भी वायर लेके यहाँ से यहाँ तक लगाते हैं, उसके बाद जम्पर लगा दोबारा लगा दिया, ये जो और एक टूटा हुआ था। तो ये फाइनली हमारा एनिमल ट्रक ओके हो चुका है। ये जो एरर आया ये इसके पंखे का है, तो हम उसको भी लगा के देख लेते हैं। ये देखें जिस बंदे ने ये काम किया पहले, उसको ये जो नीचे वाला जम्पर है ये तो मेरे घर में उसने खुद उतारा होगा, जो नीचे वाला था उसको समझ नहीं आई, इसलिए उसने इसको पेंडिंग कर दिया था, जो कि हमने वो फॉल्ट निकाल दिया है। तो इंशाल्लाह हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।